दोस्तों, आज आप लोगों को दिखाएंगे कि बटर नान कैसे बनाया जाता है। तो बटर नान बनाने के लिए दोस्तों, सबसे पहले मैदा को हमने लगा के तैयार करके रखा हुआ है, और मैदे पे हमने मैदा लगाने का तरीका और इसमें क्या क्या डालते हैं दूसरा वीडियो पे दिखा देंगे। तो हमने अभी तक सबसे पहले हम आपको पैरा काटने दिखा रहा हूँ। अगला वीडियो में मैदे को कैसे लगाया जाता है तंदूर के लिए, नान बनाने के लिए, तो नान का आटा बनाने का तरीका आपको अगला वीडियो में दिखाएगा आपको। तो अभी सबसे पहले हम नान का पैरा काटने का तरीका दिखा रहा हूँ। और ये जो नान का पैरा बना रहे हैं हम लोग, इसका वजन थोड़ा कम रहेगा। तो एक नान का पैरा कम से कम 100 ग्राम से लेकर 120 ग्राम का पैरा बनाया जाता है। तो जैसे कि ये जो पैरा काट रहे हैं हम लोग, ये उससे थोड़ा कम साइज है, लगभग 70-80 ग्राम का पैरा बना रहा हूँ। इससे क्या होगा, जब जब हमें नान का ऑर्डर आता है तो हम इसमें ऐड कर देते पैरा और मैदा, यानी कि मैदा और ऐड कर देते, तो फिर बन जाता है। लेकिन एक पैरा इसमें और जोड़ देते, फिर डेढ़ पैरा में एक नान का पैरा बनाया जाता है। तो इस तरह हम नान का पैरा मारते हैं। तो सबसे पहले ये सारे पैरा को हम एक अच्छी तरह रखेंगे, एक एक करके सारे पैरा को घुमा के रखेंगे। और पैरा इससे क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे हमारे नान का ऑर्डर आए, कुलचे का ऑर्डर आए, हर चीज़ फटाफट बन जाता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, पैरा को हम लोग इस तरह अच्छे से दबा देंगे, और दबाने के बाद हाथों द्वारा आप देख सकते हो नान को बनाने का तरीका और इसको डालने का तरीका। तो लगा रहा हूँ वो देखिए दोस्तों, एकदम सिंपल तरीका है, ज़रा सा भी मेहनत नहीं है। आपको जानते हैं, अगर आपको तंदूर नहीं है तो उसके लिए आप लोग तवा पे आराम से बना सकते हो, इस चीज़ के मज़ा ले सकते हो नान का। तो सिंपल रेसिपी है, नान का आटा थोड़ा सा गिल्ला लगाना है दोस्तों, और इस तरह हाथों द्वारा थोड़ा सा दबाने के बाद हाथ करके घुमाओगे तो अपने आप बन जाता है नान। तो नान बनाना बहुत ईजी है दोस्तों। तो आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि नान किस तरह, देख सकते हो कितने फटाफट है, कि एक मिनट भी नहीं लगता तंदूर में पकड़ने के लिए। तो दोस्तों, आप लोग नान को घर पर तवा पर डाल सकते हो, और तवा पर डालने के बाद उसको आराम से बना सकते हो आप लोग। और फिर उसको बटर लगा दीजिए, घी लगा दीजिए, आप लोग को जैसा खाना है आप लोग ऐसा खा सकते हो। तो हमें ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ लाइव, किसी से हमारा ऑर्डर आ रहा है, चीज़ का वीडियो बनाते हैं, नान का पैरा आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और बटर नान कैसे बनाना है, और बटर नान का रेसिपी हम आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों, कितने टेस्टी, कितने यम्मी नान बना हुआ है। नान का जो कलर है बहुत ही बच्चा बोलते गोल्डन कलर आया हुआ है, इतना रहना चाहिए दोस्तों। इसको ज़्यादा जलना नहीं चाहिए और ज़्यादा पतला नहीं खाना चाहिए, पतला मारेगा तो कड़क हो जाता है। तो ये जो है मीडियम है, देखिए परफेक्ट नान, ठीक है। इसके ऊपर अच्छी तरह बटर लगा लेना है, हम लोग आलन बटर लगा रहे हैं। आप लोग अपने हिसाब से बटर लगा सकते हो, बटर की जगह पर घी इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा बटर लगाने में तेल करना है, बट थोड़ा अच्छे से लगाना है दोस्तों। बटर अच्छी तरह इसमें लगा देंगे, अच्छी तरह बटर लगाने के बाद इसको हम कटिंग करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो बटर लगाने में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए, बटर अच्छे से लगना चाहिए, क्योंकि बटर में से बटर लगेगा तभी मज़ा आएगा दोस्तों। तो बटर हम दोस्तों बहुत भरपूर लगाएंगे इसमें, और बटर लगना भी चाहिए भरपूर। तो आप लोग भी इसी तरह अच्छे से बटर लगा लीजिए, मक्खन लगाने में कई कंडीशन में। और इस नान का आप लोग बटर चिकन के साथ बहुत बेहतरीन लगेगा आप लोगों को खाने में, मेरे हिसाब से चाय जब बटर चिकन करना चाहिए आप लोगों को ले लीजिए। और जिसको पनीर खाना है तो पनीर मक्खन वाला ले लीजिए। ये तीनों चीज़ों के साथ बटर नान के बहुत ही बेहतरीन कम्बो है दोस्तों। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अगला वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगला वीडियो।